और अब आखिरी वेरिएशन देख लो इसकी, जो वॉवल्स और इनसे खेलते हैं वो, कि लिखा हुआ है इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स वॉवल्स अकर टुगेदर वो वर्ड डॉटर है। अब जरा आप फिगर आउट करो वॉवल कौन से हैं। एक तो है भाई ए, फिर है यू और ई, वो तीन ही वॉवल है ना, ए ई आई नहीं है, ओ नहीं, यू, हाँ ये तीन वॉवल हैं इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज बताओ कि जिसमें वॉवल्स जो है वो एक साथ आने चाहिए, बाकी लेटर्स एक साथ आए या अलग आए कोई मसला, मतलब इसके अलावा जो लेटर्स हैं उनको आप आपस में अरेंज करते जाओ, लेकिन जो तीन लेटर्स हैं ना ये हमेशा एक साथ आने चाहिए, ए यू ई, ये हमेशा एक साथ आने चाहिए। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये सब वॉवल्स हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये एक ग्रुप बना लेते हैं। आप इनका ग्रुप बना लो, एक एक ग्रुप मैंने बना लिया जिसके अंदर ए यू और ई आर है। अब इन तीन का तो ग्रुप बन गया, पीछे कितने बचे हैं, पीछे पांच बचे हैं, तो आप पांच जगह बना लो, कोई भी पांच को आप यहां पे पुट कर सकते हो, फिर यहां पे जो पुट कर लिया चार को, तीन को, दो को, एक को, ठीक है। अब इस सवाल को जरा समझो कि आप इनको एक साथ किस तरह सॉल्व करोगे। आपने इसको एक ग्रुप बनाया था, जब आपने ग्रुप बना लिया और जो बाकी पांच हैं उनको आप अपनी किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक लेटर कंसीडर करोगे। अभी क्यों मैं इसको एक लेटर क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि जो ग्रुप है ये स्टार्ट में भी आ सकता है, ये कहीं दरमियान में भी आ सकता है, ये कहीं साइड पे भी आ सकता है। मतलब अगर एक वर्ड हो ए यू ई डी एच डी जी एच टी आर कर लेते हैं, ये एक वर्ड है जिसमें वॉवल एक साथ आ रहे हैं। अच्छा एक और मैं वर्ड बनाता हूँ डी जी ए यू ई एच टी आर, इसमें भी देखो वॉवल एक साथ आ रहे हैं। कहने का मतलब इसको आप एक लेटर कंसिडर करो जो कि डी के बाद भी आ सकता है, एच के बाद भी आ सकता है, आर के बाद भी आ सकता है, लेकिन ये तीनों को आप एक ही कंसीडर करोगे क्योंकि ये एक साथ आएंगे, ठीक है। तो अब ये पांच लेटर्स और इसको आप एक कंसीडर करो, ये कितने हो जाएंगे छः, और छः को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, सिक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को आपने एक माना, क्योंकि जब वो अरेंज होगा तो वो पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा, कहीं अकेले अकेले नहीं जा सकते क्योंकि वॉवल्स को एक साथ रहना है, सिक्स फैक्टोरियल हो जाएगा। अब बात खत्म नहीं हुई यहां पे, क्यों इन वॉवल्स को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हो ना, ये बात ठीक है कि ग्रुप आपका कहीं भी मूव कर रहा है, लेकिन इस ग्रुप को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हो ना, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो ना यू ए ई, या आप इसको ई ए यू, ये भी तो कर सकते हो। वॉवल्स अभी भी साथ हैं लेकिन इनको आपस में भी तो आप अरेंज कर सकते हो। अब ये तीन लेटर्स हैं, तीन लेटर्स को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, तीन फैक्टोरियल, तो यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तीन फैक्टोरियल से। ये पूरा सवाल है, ये पूरा बुक का सवाल है। बुक में 7.2 के अंदर एक वर्ड डॉटर है, उससे रिलेटेड पांच छह पार्ट है जिसके अंदर यही उन्होंने बात की हुई सारी की सारी। तो समझ लो मैं बुक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ सिक्स, क्योंकि पांच ये थे और इसको मैंने एक लेटर कंसिडर किया था, तो 5 + 1, अब मेरे पास छह लेटर्स हैं। इसको आप इस तरह कंसिडर करो, छह लेटर्स हैं ना, पांच ए हैं, छठा ये है, इनको आपस में आप अरेंज कर रहे हो पूरा, तो सिक्स फैक्टोरियल। और तीन फैक्टोरियल कैसे आया कि इनको आपस में भी तो मैं अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो बाकी आप लोग यार बुक की एग्जाम्पल करना है, सारे एमसीक्यूज बुक की एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक और परम्यूटेशन का करवाता हूँ, फिर एंड पे हम कम्बिनेशन का कर लेते हैं कि किस तरह आप परफॉर्म करोगे उनको। जैसे एक सवाल है, ये मैंने सब एक साथ हाँ रखे हुए, 31, 32, 33, अभी जो PDF दिया हुआ है ना मैंने ई कैट का, उसमें चैप्टर नंबर 7 में अगर आप देखोगे 31, 32, 33 तीनों मैंने एक साथ रखे हुए। 31 में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंटली कलर बीड्स, बीड्स आप समझ लो मोती जो होते हैं ना उनको आप कह लो, कि 8 मोती हैं उनको आपने रॉ की फॉर्म में अरेंज करना है। तो मैंने बताया था रॉ में क्या होता है 8 फैक्टोरियल। फिर 32 MCQs में लिखा हुआ है कि उन 8 बीड्स को टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो टेबल का मैंने क्या बताया था 8 - 1 7 फैक्टोरियल। और 33 MCQs में लिखा हुआ है कि नेकलेस में करना है, तो नेकलेस का मैंने बताया था कि अगर 8 हैं तो 8 - 1 7 7 फैक्टोरियल को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो नेकलेस वाला आंसर आ जाएगा, तो ये भी आपको बुक में मिल जाएंगे। हाँ ये बड़े मजे का सवाल है, ये आखिरी हम करते हैं, ये टेबल वाला परम्यूटेशन का सवाल है। अच्छा अब इस सवाल में लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बॉयज बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। अगर सवाल इतना होता तो फिर तो इसका इजी आंसर होता,
सात बॉयज को टेबल के अराउंड बिठाने के 6 फैक्टोरियल तरीके हैं, लेकिन सवाल आगे भी चलता है, सो दैट पर्टिकुलर टू बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कि दो जो लड़के हैं वो हमेशा, आपने जितनी भी अरेंजमेंट बनानी है उसमें लेट कर लो फैजान और हमजा, ये दोनों हमेशा एक साथ होंगे, आप जो भी अरेंजमेंट बना लो लेकिन फैजान और हमजा हमेशा एक साथ होंगे, दो बॉयज जो है हमेशा एक साथ बैठने चाहिए। ये बिल्कुल वही तरीका है जो आपने रॉ में पढ़ा था, लेकिन अब ये टेबल है, टेबल में इसको किस तरह सॉल्व करोगे? तो देखो भाई, आपके पास कितने बॉयज हैं? 7 बॉयज हैं, 7 में से दो जो हैं उनको एक साथ बैठने का कीड़ा है, तो आप क्या करो, दो का ग्रुप बना लो। तो मैं इसको ना जरा रिप्रेजेंट करता हूँ 1-2 से, बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, ये दो एक साथ बैठेंगे, बाकी 5 बॉयज, बॉय नंबर 3, 4, 5, 6, 7, बाकी जो है वो अपनी जगह पे आ गए, ठीक है। तो अब आपके पास कितने बनेंगे? जैसे आपने यहाँ पे देखा था 8 लेटर्स थे, 3 के आपने ग्रुप बना लिए थे, तो पीछे कितने बचे थे? 5, और इसको आपने एक लेटर कंसिडर किया था, तो मैंने बोला था 6 फैक्टोरियल। सेम काम वही करोगे कि जो 5 लड़के पीछे बचे हैं वो 5 हो गए, और जिनका 2 लड़कों का ग्रुप बना था इसको अब आप 1 कंसिडर करोगे, तो टोटल अब आपके पास कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोगों को रॉ में अरेंज करने के तरीके थे 6 फैक्टोरियल, और 6 लोगों को टेबल के अराउंड अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल। दोबारा बताता हूं, 5 लड़के ये हैं और इन 2 के ग्रुप को मैंने 1 कंसिडर किया, तो टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। अब उन 6 को टेबल के अराउंड अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद इन 2 को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हो ना, तो 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो 5 फैक्टोरियल होगा 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो 240, 240 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ, तो 5 लोग थे, इसको मैंने 1 लोग कंसिडर किया, मतलब n 6 है, यहाँ पे 6 लोग बन गए, क्योंकि 2 एक साथ आएंगे ना उनको 1 माना गया, तो 6 को टेबल पे अराउंड अरेंज करने का क्या तरीका होगा? 6-1 मतलब 5 फैक्टोरियल। अब मैं आपको जरा 2-3 कॉम्बिनेशन के सवाल करवा देता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये MCQs 37 है, इसमें लिखा हुआ है कि यार आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, सवाल है हाउ मैनी 3 एलिमेंट सबसेट आर देयर ऑफ दिस सेट, कि अगर आप इस सेट के सबसेट निकालोगे तो सबसेट तो एक लेटर का, एक डिजिट का भी होगा, 2 डिजिट का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, सबसेट आपने निकाले होंगे, आपको आइडिया होगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि 3 एलिमेंट वाला बताओ, कि जिसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हों। अब वो कैसे बताओगे? सिंपल, ये सवाल कॉम्बिनेशन का है, क्यों? क्योंकि आपको ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखो या 2, 1, 3, 4, 5 लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से आपने एट अ टाइम कितने चूज करने हैं? 3 चूज करने हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा 5C3। कॉम्बिनेशन मैंने क्यों चूज किया? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आप इसका एक सबसेट बनाओगे ना, लेट कर लो एक सबसेट है 1, 2, 3, तो अगर आप यहाँ पे 5P3 कर देते ना, तो वो क्या करता? वो इसको भी सबसेट मानता, वो इसको भी सबसेट मानता, वो इसको भी सबसेट मानता, इसी तरह 3 और को भी सबसेट मानना होता, लेकिन आपको पता है ये सब एक ही चीज़ है, सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। तो जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आप क्या यूज़ करोगे? कॉम्बिनेशन। तो 5 एलिमेंट्स हैं, आपने एट अ टाइम 3 एलिमेंट का सबसेट बनाना है, तो 5C3 इसका राइट आंसर होगा, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आई गेस 10 आंसर आएगा, ठीक है, 5C3 10 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा एक सवाल होता है कि जिसमें आपको बताना होता है कि अगर आपके पास ये, अगर किसी ने फिल्म देखी हो, सुपर 30 आई थी ऋतिक रोशन की, वो एक अनंत कुमार एक मैथमेटिशियन था, उसके ऊपर उसने पूरी उसकी लाइफ के ऊपर बनाई हुई थी, तो उसमें उसने एक बात पूछी थी कि मेरे ख्याल में 30 स्टूडेंट थे, जो स्टोरी है ना वो ये था कि 30 स्टूडेंट थे, जो अनंत कुमार जो मैथमेटिशियन था उसने 30 बच्चों को, मेरे ख्याल में इंडिया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसकी तैयारी करवाई थी, और 30 के 30 गरीब बच्चे थे, फ्री में पढ़ाया था, और वो पास आउट हो गए थे, मतलब उसमें एडमिशन हो गया था उनका 12। तो उसमें एक फिल्म का सीन था जिसमें उसने बोला था कि यार 30 लोग हैं, अगर सब 30 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक होंगे, ठीक है। तो 30 बहुत ज़्यादा है, मैं ज़रा 5 पे आ जाता हूँ, 5 नहीं बल्कि 4 पे आ जाता हूँ, ताकि आपको बात समझ आ जाए।
लेट कर लो एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। एक रूम के अंदर चार लोग हैं, सब आपस में हैंडशेक करेंगे, लेकिन एक एक ही हैंडशेक करना है। मतलब मैंने अगर हमजा से हैंडशेक किया ना तो एक ही दफा करना है, दोबारा मुझे उससे नहीं करना, दोबारा किसी और से करना है, ठीक है, ये बात है इसकी। अब नॉर्मली लोग कहेंगे आठ हैंडशेक होंगे, चार लोग हैं तो आठ हैंडशेक होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरा इस बात को समझना कि लेट कर लो मैं जो है इस बंदे से हैंडशेक करूंगा, मैं इस बंदे से हैंडशेक करूंगा, मैं इस बंदे से हैंडशेक करूंगा, कितने हैंडशेक हुए, तीन हो गए। फिर अगर इस बंदे की बात करें, ये इससे हैंडशेक करेगा, ये इससे हैंडशेक करेगा, ये मुझसे दोबारा नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने इससे किया हुआ पहले से, तो अब ये मुझसे दोबारा करेगा, बात तो एक ही है। फिर दो हैंडशेक हो जाएंगे कि मैंने इससे किया, इसने मुझसे किया, दो हैंडशेक हो जाएंगे, कितने होने चाहिए थे, एक होने चाहिए थे। तो इसका मतलब इसके पास दो ऑप्शन है, तो तीन पहले हुए थे, दो अब हुए। इस वाले बंदे की बात करो, इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये इससे ही हाथ मिला सकता है, बाकी किसी से मिलाएगा तो वो दो हैंडशेक हो जाएंगे, ठीक है, प्लस वन। तो इसका मतलब कितने हैंडशेक होंगे, छह हैंडशेक होंगे। तो उसका कोई फॉर्मूला होगा, किस फॉर्मूले के तहत हम निकालेंगे। दिखने में आपको सवाल लग रहा है कम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मैं इससे हाथ मिलाऊं या ये मुझसे हाथ मिलाए, बात एक ही होगी, दो बातें नहीं होंगी ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक क्या फॉर्मूला होता है, NC2, दैट्स इट। अब यहां पे कितने लोग थे, चार लोग थे, तो 4C2 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। जितने भी लोग होंगे, अगर एक रूम के अंदर 30 लोग हैं, आपस में वो हाथ मिला रहे हैं, एक ही हैंडशेक होना चाहिए, तो 30C2 इसका आंसर हो जाएगा। जितने लोग होंगे आप जरा ऊपर पुट करना कम्बिनेशन, नीचे 2 पुट करना, दैट्स इट, कैलकुलेटर में निकालना, आपके पास आ जाएगा कि कितने हैंडशेक होंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद एक ये चीज़ है, ये आपके बुक का टॉपिक नहीं है, बुक में हैंडशेक वाला कोई सवाल नहीं है, लेकिन ई कैट में आ सकता है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी होता है कि अगर आपने किसी शेप के नंबर ऑफ डायगनल्स बताने, अब अगर कोई फोर साइडेड फिगर है तो आपको पता है दो डायगनल होंगे उसके, लेकिन अगर उसके जो फिगर है वो फोर साइडेड ना हो, सिक्स साइडेड हो, एट साइडेड हो, तो उसके अंदर डायगनल्स कितने होंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है, ये दोनों MCQs PDF में मौजूद हैं। नंबर ऑफ डायगनल्स अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो फॉर्मूला होता है NC2 - N। कहने का मतलब जो एक MCQs है ना उसमें एक है 12 साइडेड फिगर के नंबर ऑफ डायगनल बताओ। तो अगर कोई शेप है जिसकी 12 साइड हैं तो उसके कितने डायगनल होंगे, आप एन की जगह 12 पुट कर दो, 12C2 - 12, दैट्स इट। जितनी उसकी साइड है ना वो एन के बराबर है। अगर सिक्स साइडेड फिगर है, मतलब जो बेंजीन की शेप थी, हेक्सागन जो होता है, सिक्स साइडेड फिगर होती है ना, तो आप यहाँ पे एन की जगह 6 पुट करना, यहाँ पे एन की जगह 6 पुट कर देना, आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कितने डायगनल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगनल मालूम करने का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। एट द एंड में वही बात बता रहा हूं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन के बहुत एग्जाम्पल्स है, मतलब आप किसी भी बुक को खोलो एक अलग टाइप का MCQs होता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है लेकिन MCQs अलग टाइप का होता है। तो बार बार मैंने इस लेक्चर में बोला है कि अपनी बुक सॉल्व कर लेना, NID में बुक से आ रहे होते हैं, तो बुक आपने सॉल्व कर ली या उस जैसे आ जाएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। 7.1, 7.2, 7.3 आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा उसको किस तरह करना है, लेकिन ये तीन एक्सरसाइजेज आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक सवाल और करवा दूं, वो जो कमेटी का होता है। हाँ हाँ, तो कैलकुलेटर से तो निकालोगे, अब 12C2 खुद निकालोगे टाइम लगेगा, कैलकुलेटर में 12C2 पुट करो, खत्म। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ, हाउ टू, तुम लोग अभी तक गए नहीं हो, हर लेक्चर में बोलता हूँ भाई कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताई नहीं है, पता नहीं कहाँ सोए हुए तुम लोग। तुम लोगों का सर मेरे ख्याल में बहुत फ्री में हर चीज़ मिल रही है ना, क्या फालतू में यूट्यूब अपलोड किया वैसे तुम लोग अहमियत नहीं हो रही, ये बहुत काम की चीज़ें कैलकुलेटर की ट्रिक्स। मैं सच में बताता हूँ भाई, आज से 5 साल पहले इंटर में यूट्यूब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इंटर में मतलब खुद तैयारी करते थे, जो टीचर है उससे तैयारी करो, दैट्स इट। ये तो मैक्सिमम टीचर तो ये 2 साल में आए यूट्यूब के ऊपर कोरोना के चक्कर में, मेरा 3-4 साल पुराना है, लेकिन जो मैक्सिमम आपको टीचर नज़र आएंगे आज, जो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैक्सिमम अगर आप तादाद देखो ये 2 साल पहले आए कोरोना के अंदर, उससे पहले तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये। तो आप लोगों के लिए नेमत है कि जो कैलकुलेटर और सबकी ट्रिक्स अपलोड की हुई हैं, बार बार मैं बोलता हूँ उसमें इस चैप्टर की भी ट्रिक है, कम्बिनेशन, परम्यूटेशन, फैक्टोरियल सब मैंने बताया है, जाके देखो उसको।
तो एग्जाम्पल तो यार इसकी बहुत हो सकती हैं, तो मैं आप लोगों को एक दो और करवा देता हूँ जो कम्बिनेशन में कमेटी सेलेक्ट करते हैं ना हम, उस टाइप की एग्जाम्पल होती है। जैसे एक सवाल लिखा हुआ, ये भी बुक का सवाल है कि आपने कमेटी बनानी है 5 लोगों की, 5 मेंबर्स होने चाहिए और आपके पास डाटा क्या है कि आपके पास 8 मर्द हैं, 4 जो हैं वो वुमेन हैं, ठीक है, और आपने इनमें से 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है। अगर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो आप किस तरह बनाते? 8 लोग हैं, 4 विमेन हैं, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, आपको बोला जाता बस आप 5 लोगों की कमेटी बना लो, तो आप किस तरह बनाते? 8 + 4 = 12, टोटल आपके पास 12 लोग हैं और बनानी आपको 5 की कमेटी है, तो आप लिखते 12C5, 12 में से 5 को आपने सेलेक्ट करना है। और कमेटी में ना सिलेक्शन होता है, परमुटेशन नहीं होता, क्योंकि आपने ये नहीं देखना होता किस ऑर्डर में आपने लोगों को सेलेक्ट किया है, जो लोगों को सेलेक्ट किया वो मैटर कर रहा होता है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। मैं बहुत दफ़ा ये बात एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपने टीम सेलेक्ट करनी है तो आप पहले बाबर को करो या फिर रिजवान को करो, ये एक ही बात है कि पहले आप रिजवान को करो फिर बाबर को करो, एट द एंड टीम में 11 खिलाड़ी जो हैं वो मैटर करते हैं, ये नहीं मैटर करता कि इस ऑर्डर में मैंने उनको सेलेक्ट किया है। तो जब भी कमेटी के सवाल होते हैं ना, कम्बिनेशन ही होती है। 5 मिनट का लेक्चर है, मैं ज़रा दोबारा लिंक भेजता हूँ, मीटिंग एंड हो रही है। अब ज़रा इसमें देखते हैं कि पहले तो मैंने सिंपल सवाल आप लोगों को बताया कि भाई अगर इसमें से आपको 5 लोगों की कमेटी सेलेक्ट करनी होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कितने मर्द हैं कितने औरतें हैं, तो आप 12C5 करते आपके पास आ जाता। अब रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट आ सकती हैं, जैसे एक MCQs है, मैं ज़रा एक रिस्ट्रिक्शन वो करवा देता हूँ फिर एक अपनी तरफ से ही बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने 5 लोगों की कमेटी बनानी है, 8 मर्द हैं, 4 खवातीन हैं, इफ़ स्पेसिफिक वुमेन इज ऑलवेज इंक्लूडेड, कि एक जो औरत है ना, वुमेन जो है वो लाजमी आपने इंक्लूड करनी है, एक को तो आपने करना ही करना है, बाकी में ना हो कि एक वुमेन जो है वो आपकी लाजमी सेलेक्ट होगी। तो अब मुझे बताओ कि एक तो आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, तो अब 5 को सेलेक्ट करने से बेहतर है अब आप 4 लोगों की कमेटी बनाओ, क्योंकि एक वुमेन को तो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, एक वुमेन आपकी सेलेक्ट है, तो इसमें से आप एक निकाल दो, अब आपके पास कितनी बची? 3 वुमेन, क्योंकि एक आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करनी है, समझ लो उसका रेफरेंस है या कुछ भी है वो लाजमी होगी, तो अब आपके पास पीछे 11 लोग बचेंगे, 11 में से आप 4, मतलब 11C4 इसका आंसर हो जाएगा कि स्पेसिफिक वुमेन तो आपने लाजमी करनी है, बाकी जो है वो आप सेलेक्ट कर लो। एक वेरिएशन इसके अंदर ही होगी, क्या होगा? 12 लोग थे ना, एक तो आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, 5 की कमेटी थी ना, उसमें से एक तो विमेन होगी, एक आपने लाजमी सेलेक्ट करना है, तो अब 5 नहीं सेलेक्ट करो 4 करो, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट करना है। अब टोटल 12 लोग थे, एक आपने निकाल दिया क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया ना, तो आप पीछे 11 लोग बचेंगे, 11 में से आप 4 सेलेक्ट कर लो। अच्छा जी, और कोई मैं देख लेता हूँ, कुछ प्रोबेबिलिटी के सवाल काफ़ी हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे सवाल है, अ क्लब हैज़ 8 male and 8 female, 8 मेल हैं और 8 जो हैं वो फीमेल हैं, द क्लब इज चूजिंग अ कमेटी विच मस्ट हैव 3 males and 3 family members, 8 male and 8 female members, फीमेल मेंबर्स होना चाहिए था, फैमिली मेंबर्स नहीं होना चाहिए था, कि क्लब जो है वो चूज कर रहा है 3 male and 3 female members, हाउ मेनी डिफरेंट कमेटी कैन बी चूजन। कहने का मतलब ये है कि 8 male हैं 8 female हैं, आपको जो कमेटी बनानी है उसमें एग्जैक्टली 3 male होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 female होने चाहिए, ये कमेटी है आपकी। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं भाई? 8 मर्दों में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, इसी तरह 8 female में से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, और इन दोनों को आपने एक साथ करना है, वर्ड एंड का आया है, 3 male साथ साथ 3 female, तो जब आप एक साथ करोगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है सबको?